नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखना है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले थे, वो वीडियो आप देख लीजिए, नहीं तो ऊपर में आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। उसके साथ ही मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लॉकडाउन खुला है तो आप घर से अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो ही बाहर निकलिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ते ही, ये जो आपको एमसीक्यूज में लेने वाला हूँ इस वीडियो में, ये एमसीक्यूज आपको किसी वेबसाइट से वगैरह नहीं लिए, मैंने खुद बुक का स्टडी करके देखा है कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, और वही क्वेश्चंस मैंने क्या किया यहाँ पे आपको दिखाए। तो वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप फ्लो एंटर्स एंड लीव एट द सेम वेलोसिटी। अब ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आपका जो फ्लो आता है वो एंटर और लीव सेम वेलोसिटी से होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आती है कि पंप में आपके दो टाइप है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और एक एनपीडीपी है, मतलब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है। तो ये दो पंप में से उन्होंने क्या क्या कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में फ्लो क्या होता है, सेम वेलोसिटी से आता है, तो ये बात क्या है, ट्रू है आपकी, ये याद रखो। फिर उसके बाद पीडीपी मतलब क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पावर जनरेटर। अभी ये जो वर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और अगर वो पंप नॉन पॉजिटिव है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप उसके साथ याद रखो कि अगर क्वेश्चन आता है हाइड्रोकाइनेटिक मतलब नॉन पॉजिटिव है क्या, ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या है, ट्रू है, आपको याद रखना है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीडीपी, मतलब इसमें से जो क्वेश्चन दिया ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऐसा पंप है कि जो क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो आपको एक एक देखना है कि पहले गियर पंप है, पहली बात तो यह है कि आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या, वो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब भी आप क्या कर सकोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है कि आपका जो एरिया है वो क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। तो मतलब आपका जो पंप का एरिया है वो मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम ऐसे चलते रहता है। और एनपीडीपी में क्या होता है कि कुछ रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं, उससे क्या करता है वो आपका प्रेशर वो बढ़ाता है। तो इसमें क्या है, गियर पंप है, फिर उसके बाद वेन पंप है, स्क्रू पंप है। गियर पंप में भी क्या है कि आपके गियर का एरिया कम होता है ज्यादा होता है, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्चुअली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। फिर उसके बाद वेन पंप में भी वैसा ही है, एरिया कम ज्यादा होता है। फिर उसके बाद स्क्रू पंप में भी वैसा ही है। रोटोडायनेमिक पंप में क्या है कि इम्पेलर होता है, एक केसिंग होती है, केसिंग के अंदर क्या होता है, इम्पेलर होता है, ठीक है, वहां पे एरिया का कुछ कंसर्न नहीं है। तो आपका ये जो आंसर है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीडीपी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर है रोटोडायनेमिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मैक्सिमम फ्लो रेट किसका है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पंप है जिसका मैक्सिमम फ्लो रेट है और प्रेशर, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो रेट क्या है इसका, स्क्रू पंप का 7500 लीटर पर मिनट। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लो रेट किस में मेजर करते हैं, आपको लीटर पर मिनट में, और प्रेशर बार में मेजर करते हैं। तो इसका स्क्रू पंप का फ्लो रेट इतना है और प्रेशर इतना है। अभी फिर उसके बाद सबसे मिनिमम फ्लो रेट वाला कौन सा है, फिक्स्ड वेन पंप है, कि जो क्या करता है, एकदम मिनिमम आपका फ्लो रेट देता है। फिर उसके बाद इन विच पंप द फ्लूइड कैन बी डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसफर्ड यूजिंग इनर्शिया ऑफ द फ्लूइड मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रोटोडायनेमिक पंप ऐसे पंप है कि जिसमें क्या होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस होता है इनर्शिया के साथ। विच पंप विल यू सिलेक्ट फॉर प्रेशर अप टू 40 बार एंड हाई वॉल्यूम। अगर आपको प्रेशर कम चाहिए और क्वांटिटी जो है फ्लो रेट क्या है वो ज्यादा चाहिए, तो आप कौन सा पंप यूज करोगे, आप पंप यूज करोगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फिर उसके बाद एनपीडीपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कंटिन्यूड इक्वेशन, इल्यूज इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ऐसे आपके क्या है इसके ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एकदम यूनिक क्वेश्चन है कि एनपीडीपी जो पंप है वो किस पे काम करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे काम करते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फॉर्म द रिलेशनशिप शोज दैट विथ इंक्रीज फ्लो रेट प्रेशर डिक्रीजेस। अभी उसमें क्या है कि अगर आपका फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कौन सा पंप है? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट आता है कि क्या होता है, अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी आपका फ्लो इंक्रीज होगा तो बैक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या है कि अगर फ्लो रेट इंक्रीज हो गया, इसको एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं स्लिपेज। स्लिपेज की वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रेशर कम होता है। तो याद रखना है कि क्या हो रहा है कि इन विच पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है कि अगर फ्लो रेट इंक्रीज किया तो क्या, एक ग्राफ भी है उसका, ऐसे ऐसे करके ग्राफ है कि फ्लो रेट इंक्रीज करने की वजह से आपका प्रेशर कम हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वेन पंप कैन हैंडल मॉडरेट विस्कोसिटी फ्लूइड। अभी याद रखना है कि जो वेन पंप है वो क्या करते हैं, मॉडरेट विस्कोसिटी की जो फ्लूइड्स है वो हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, विच फैक्टर्स डिटरमाइंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेन पंप। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं, वेन पंप का डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं। ये देखो, स्पीड नहीं, स्पीड से कुछ डिस्प्लेसमेंट का लेना देना नहीं है, वॉल्यूम का नहीं है। अभी ये इसेंट्रिसिटी जो है, कंसीडर करिए आपका ये केसिंग और ये आपका अंदर का रोटर है, आपका ये जो डिस्टेंस जितना रहेगा उतना आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो मेन किसकी बात आती है, इसेंट्रिसिटी की ऊपर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। फिर और कुछ एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने निकाले, विच पंप वी कांट यूज इन हाई स्पीड। अभी ऐसा कौन सा पंप है जिसको आप हाई स्पीड में उसका यूज नहीं कर सकते हो, वेन पंप है। क्यों? क्योंकि वेन पंप में क्या होता है कि आपके जो ब्लेड्स है या रोटर के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, अगर उसका स्पीड बढ़ गया तो क्या होता है, यहाँ पे उसको कंटिन्यूसली आपके कैमरिंग को क्या होते हैं, वो टच होते हैं। और कैमरिंग को टच होने के कारण क्या होता है, उसका वियर एंड टियर ज्यादा होता है अगर आपने स्पीड उसका ज्यादा रखा तो। फिर उसके बाद थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप यूज वेयर। अभी ये जो थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप है वो कहाँ पे यूज होता है, ऐसे उन्होंने बोला है कि लो फ्लो रेट इज रिक्वायर्ड, नो प्रेशर पल्सेशन, मैक्सिमम नॉइज इलिमिनेशन। अगर आपको लो फ्लो रेट चाहिए, नो प्रेशर पल्सेशन चाहिए या मैक्सिमम नॉइज इलिमिनेशन चाहिए तो आप क्या करते हो, थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप यूज करते हो। फिर उसके साथ अभी उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, लिफ्ट में है, इलेवेटर में है, लिफ्ट, इलेवेटर, हाइड्रोलिक प्रेस, शिफ्ट विंच, क्रेन, वुड वर्किंग मशीन और मशीन टूल्स में। जहां पे आपको ये सारी चीजें चाहिए वहां पे आप क्या करते हो, थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप का यूज करते हो। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लिफ्ट में कौन सा पंप यूज होता है, इलेवेटर में कौन सा यूज होता है, हाइड्रोलिक प्रेस में कौन सा यूज होता है, मशीन टूल में कौन सा यूज होता है। तो आपको याद आना चाहिए कि थ्री स्पिंडल स्क्रू पंप यूज होता है। फिर उसके बाद ये जो स्क्रू पंप है इसकी ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक और मैकेनिकल इफिशियंसी कैसी है, उसकी लो है। फिर उसके साथ ही अगर उसके अंदर आप हाई विस्कोसिटी का अगर ऑयल डालते हो तो उसका क्या होता है, इफिशियंसी डाउन हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है और उसके बाद आप रुक जाते हैं वहां पे। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनलाइन क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पंप आर यूज्ड इन स्मॉलर फोर्कलिफ्ट्स और सिंपल लोडर। इनलाइन क्रैंकशाफ्ट मतलब क्या, ऐसे आपका ये रहेगा तो यहाँ पे पिस्टन रहेगा ऐसे अलग अलग, ठीक है। ये जो ऐसे इनलाइन क्रैंकशाफ्ट पिस्टन पंप है ये कहाँ पे यूज होता है, स्मॉल फोर्कलिफ्ट और सिंपल लोडर में यूज होता है। इतना करके मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बाकी जो कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कुछ डाउट है वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।